नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार माध्यमिक शिक्षक परिषद से दलाली का काम करने वाला रमेश प्रसाद आज करोड़ों का मालिक है। दोस्ताना सफर के नाम से एनजीओ बनाया उसने, नाम रख लिया रेशमा प्रसाद। तमाम मीडिया से लेके तमाम खबरों में हमेशा जो है उसके बारे में खबरें आती रहती हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ट्रेनों में घर घर जाकर उसी बिरादरी के लोग आपसे 100-200 रुपया मांगते हैं और उसी रेशमा प्रसाद जो उनका नेता बनता है उसके पास करोड़ों की अचूक संपत्ति है, और हम आपको यह भी बता दें कि वो संपत्ति उसने कहाँ से जुगाड़ की है। बिहार के समाज कल्याण मंत्रालय से लेके युवा मंत्रालय तक को उसने इतनी गहराई और सफाई से चूना लगाया है कि करोड़ों कमा लिए। हमारे साथ आज बैठी हैं सबरंग रिश्ता की सचिव हैं, किन्नर बिरादरी से आती हैं, और हमारे पास एक दो सबूत नहीं, ये तमाम ये सबूत हैं, ये पूरे पेपर हमारे पास पड़े हुए हैं, ये रेशमा प्रसाद के खिलाफ हैं। एक एक करके आपको बताएंगे। बिहार सरकार किन्नरों के ऑपरेशन के लिए, उनका एक तरीके का ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन के लिए 1,40,000 रुपया पर किन्नर को देती है और दिल्ली के एक अस्पताल से बिहार सरकार का कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप सोचेंगे कि इसमें रेशमा प्रसाद का कहां फायदा है। रेशमा प्रसाद बिहार के किन्नरों को फायदा नहीं पहुंचा के, जो लिस्ट मेरे हाथ में है मैं उसे अभी आपको दिखाऊंगा, तमाम किन्नर वो बिहार के बाहर के राज्यों के हैं, आसनसोल से लेके और यहां तक कि बांग्लादेश तक के किन्नर हैं। अब आपके दिमाग में एक बात और जाएगी कि बिहार सरकार तो आधार कार्ड खोजती होगी, तो ये रेशमा प्रसाद ने उस आधार कार्ड को भी बड़े साफगोई से उसके एड्रेस को चेंज किया, उसमें भी उसकी मिलीभगत और तमाम उसके जो वाका हैं उनकी मिलीभगत शामिल है। परत दर परत हम खोलेंगे आपके सामने, लेकिन अवंतिका पहले तो आपका स्वागत है। आज आपने जिलाधिकारी से लेके और मुख्यमंत्री सचिवालय से लेके तमाम लोगों के यहाँ ये सूचना दे दी कि जो राशि बिहार के किन्नरों के ऑपरेशन के लिए होती है, आप लोगों का एक तरह की का एक ऑपरेशन होता है, तो वो राशि का बंटाधार जो है रेशमा प्रसाद कर रही हैं, बिहार के किन्नरों का नहीं होके बांग्लादेश तक के किन्नरों का हो रहा है। निश्चित तौर पर इस राशि में गड़बड़ झाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी है और मैं सबरंग रिश्ता की फाउंडर हूँ। मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो बिहार सरकार ट्रांसजेंडरों की सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए 1,45,000 रुपये की जो धनराशि देती हैं, ये मूलतः उसके लिए हैं जो बिहार के रहने वाले ट्रांसजेंडर हैं, चाहे वो ट्रांसमैन हो या ट्रांस महिला हो। लेकिन यहाँ पर जितनी भी सर्जरी हुई हैं उसमें मोस्टली लोग दिल्ली, कोलकाता, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, मुंबई, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ के लोग मौजूद हैं। बिहार के जो रहने वाले ट्रांसजेंडर्स हैं उन तक उनका फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन गलत दस्तावेज लगा के अदर जगह के लोगों का सर्जरी करवाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सर्जरी करवा कौन रहा है और ये फर्जी कर कौन रहा है, इस पर डिपार्टमेंट की क्या नज़र नहीं है, या अगर है तो क्या डिपार्टमेंट की मिली भगत से हो रही है? सबसे बड़ी बात है अवंतिका जी कि इसमें जैसा कि बिहार सरकार और दिल्ली सरकार का, दिल्ली के उस अस्पताल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है पटना के बिहार के जो लोग हैं वो रेशमा प्रसाद के मतलब बातों में नहीं फंसते हों, तो रेशमा प्रसाद इसमें कितना कमीशन लेती है? देखिए, जो सूत्रों से आपको पता चला हो क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे बोलूँगी कि देखिए, पहले नंबर किसी का नाम ना लेते हुए फर्जीवाड़ा कौन किया है, पूरा बिहार में सर्जरी कौन करवा रहा है सबको पता है, और डिपार्टमेंट को भी पता है, या तो डिपार्टमेंट बताएं कि उनके साथ फर्जी कौन कर रहा है।
मैंने आज चीफ मिनिस्टर सर को भी हमने एप्लीकेशन दी है, डीएम सर को भी एप्लीकेशन दी है, समाज उसके बाद हमने स्वास्थ्य मंत्री को भी एप्लीकेशन दी है, स्वास्थ्य मंत्री के सचिव को भी हमने एप्लीकेशन दी है। अब उन लोगों पे देखना ये है क्या वो लोग एक्शन लेते हैं या फिर इस मुद्दे पे जांच बिठाएंगे, क्योंकि हमारी जो बिहार की मेडिकल स्थिति जो ख़राब है इसमें हम सबकी भी कहीं ना कहीं भागीदारी है और हम बिहार की जनता हैं, बिहार के वोटर हैं, इस नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सरकार से क्वेश्चन करें कि कहाँ आवंटन हुई है। इनफैक्ट हमने RTI भी फाइल की थी लेकिन अभी तक उसका एक महीने से ज़्यादा हो गया, कोई रिप्लाई नहीं आया। आपने RTI हाँ, मैं RTI भी फाइल की थी बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, ना तो समाज कल्याण विभाग से, ना तो स्वास्थ्य विभाग से और ना बिहार B-Sex से, किसी से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ये B-Sex क्या है? बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी। बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी, वहाँ भी एक ट्रांसजेंडरों का बहुत अहम रोल है और उनको काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी वहाँ से दी जाती है बट कोई एक्शन नहीं हुआ वहाँ से, कोई भी मुझे ऐसे प्रूफ। तो क्या नहीं, आप क्या आप ये मान रही हैं कि रेशमा प्रसाद का दबदबा जो है बिहार के ट्रांसजेंडरों पे है? हाँ, बिहार के ट्रांसजेंडरों? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो वो दबदबा आप पे भी होगा? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि रेशमा जी जो है वो बिहार के जाने माने फेस हैं, एक अच्छी ट्रांसजेंडर की तरह उन्होंने अपना फेस बनाया और उसके बाद आपने जो किया वो ट्रांसजेंडर को क्या मिला? वो 10 साल पहले भी ताली बजा रहे थे, वो आज भी ताली बजा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसी तरीके से चीज़ें होती रही तो 5 साल बाद भी ताली ही बजाएंगे, तो उनका तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपने किसका डेवलपमेंट किया? आपने इतने इतने करोड़ रुपए जो सरकार दे रही है, करोड़ों रुपए कहाँ जा रही है? हमको तो डेवलपमेंट नहीं दिख रही है, सिर्फ क्या किन्नर महोत्सव करवा देने से क्या रोड पे? हम आपको किन्नर महोत्सव की भी एक बात बता दें, किन्नर महोत्सव के लिए बिहार सरकार लाखों रुपया देती है। पिछली बार जब किन्नर महोत्सव हुआ था तो लक्ष्मी त्रिपाठी जो है मुंबई से पटना पधारी थी और उनके नाम पर करीब करीब 30 लाख रुपए का घोटाला हुआ था। किन्नर महोत्सव के रूप में 30 लाख रुपया बिहार सरकार का समाज कल्याण मंत्रालय जो है और युवा खेल मंत्रालय मिलकर उन्होंने दिया था, जो राशि जो है DM के माध्यम से दोस्ताना सफर तक को पहुंची थी। लेकिन सचिवालय से हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने जब हमने जानकारी जुटानी चाहिए तो उन्होंने कहा कि अभी तक हम लिखित मांग रहे हैं कि उस पैसों का हिसाब हमें चाहिए, रेशमा प्रसाद नहीं दे रही है। रेशमा प्रसाद कितनी शातिर है ये और मैं एक बात बता दूं आपको, जैसा कि अंकिता ने बताया आपको, दूसरे राज्यों के किन्नरों को का आधार कार्ड वो लेके बिहार सरकार को दिखाती हैं कि बिहार सरकार, बिहार के ये किन्नर हैं और इनका ऑपरेशन वहाँ होना चाहिए, और जिसके एवज में कह लीजिए कि करीब करीब एक राशि जो है वो मैंने एक तरह से मान के चलिए कि 35 से 40% की राशि वो वसूल लेती हैं 1,45,000 में। और इसकी वानगी मैं एक वीडियो क्लिप से आपको दिखा रहा हूँ। एक ट्रांसजेंडर जो है वो पैसा नहीं दी, उसका ऑपरेशन जो है रेशमा प्रसाद ने रुकवा दिया और उस किन्नर ने, वो ट्रांसजेंडर ने शिकायत कर दी अपनी सचिवालय में। वो पत्र भी हमारे पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जब तहलका मचा तो ट्रांसजेंडर को सीधे सचिवालय ने भेज दिया दिल्ली के अस्पताल में, और जैसे दिल्ली के अस्पताल में वो अपना ऑपरेशन जो है वो करने के लिए गई, फ्लाइट से उड़ गई थी रेशमा प्रसाद दिल्ली के उस अस्पताल में, और क्या कुछ वहां बातचीत हुई, किस तरीके से रेशमा प्रसाद उस किन्नर को उस अस्पताल में धमका रही हैं, इसकी क्लिप भी जरा आप देख लीजिए। नहीं, यही टाइम है, ठीक हो या ना हो तुम कभी ठीक नहीं होगे, तुम अभी बोलोगे और अभी ये करोगे, ठीक उक नहीं होना है। इतना गलती करके उसके बाद तुम इस तरीके से कह रहे हो कि ठीक हो जाने दो, दे दे है, तो उसका मतलब क्या है? मतलब थोड़ा दस कुछ नहीं है, इसी समय में तुमको बोलना है और बोलोगे नहीं तो हम चलती हैं, हमको अपना रास्ता भी अति ठीक करना है, क्योंकि एक एक मिनट में समझ गए कि तुम्हारा ऐसे नहीं आते ही तुरंत फोन आ गया, आते ही आने का मतलब क्या है? रात में फोन आया था तो हम फिर चल गए खाना लेने। हाँ। क्या बात हुआ दोनों में, बताए थे क्या हो? नहीं, और
सुबह में बोली थी कि बुआ हम आएंगे, तो बोले ठीक है। कोई बउआ हुआ नहीं, उसको तो 3 बजे तक तो मीटिंग है और उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको आपसे, हमसे बताइए क्या मतलब है, वो आप वीडियो में बोल दीजिए, बस हम चलती हैं। हमारा संबंध भी वैसा ही बना रहे, नहीं तो अगर चाहे आग बढ़े तो जिसको भी खड़ा करना रहेगा खड़ीगेगा, हमको भी अपना अथी करना रहेगा तो हम भी करेंगे। तो ये जो जगह बैठे तो पहला तो क्वेश्चन उसी के नाम पर ना जा रहा है, तो उसको भी तो बरी कीजिएगा, नहीं तो उसके पास तो सब अथी ना है। बोलिए हाँ या ना अभी। तो आपने सुना वहां पे अवंतिका का भी नाम आया है और रेशमा प्रसाद कह रही हैं कि तुम्हारे पास लोग हैं तो हमारे पास हैं, यानी कि जो किन्नरों के साम्राज्य में दबदबा का की जो परिस्थिति होती है, रेशमा प्रसाद वो वहां पे समझा रही हैं उस किन्नर को कि क्या हो जाएगा, तुम समझते नहीं हो, बहुत कुछ बातें वहां हो रही हैं जिसकी वीडियो हमने आपको दिखा दी। कुछ ऑडियो क्लिप भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले अवंतिका आप क्या चाहती हैं सरकार से? आपने जैसा कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, निश्चित तौर पर इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। यदि आपके इस प्रश्न, इन चिट्ठियों पर, इन पत्रों पर इंक्वायरी नहीं होती, आपने आरटीआई कहा कि आरटीआई भी आपने लगाया है, 1 महीने हो गए जवाब नहीं मिला है, क्या अब आप और दूसरा कोई रास्ता अपनाना चाहती हैं? बिल्कुल, देखिए मैं तो अभी एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि गवर्नमेंट जो है उनको इस पे एक्शन, हमने सीएम सर को भी लिखा है, तो पहले उनकी रिस्पांसिबिलिटी बैठती है कि जितने लोगों के अभी तक ट्रांसजेंडर सर्जरी बिहार सरकार के फंड से हुई है, जितनी अनुदान राशि बिहार, कितनी होगी करीब, संख्या कितनी होगी इसकी? काफ़ी 100 में है। 100 में है, हाँ, मतलब 200-300 के आसपास हैं। इतने लोगों की सर्जरी हुई है, इमिडिएटली उन सब की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, सबकी सत्य दस्तावेज की जांच हो, ताकि पकड़ाएं कि वो लोग बिहार, या तो वो लोग पकड़ाएंगे कि उन्होंने फर्जीवाड़ा डिपार्टमेंट के साथ किया है, या फिर उनके डॉक्यूमेंट के साथ किसी और ने फर्जीवाड़ा किया है। वो सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जाँच नहीं होगी ये भेद नहीं खुलने वाले। बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है और बिहार सरकार को भी ऊँचा लगाया जा रहा है। ये सिर्फ ट्रांसजेंडर की बात नहीं है, यहाँ पे आम लोगों के हक का हत्या हो रहा है, क्योंकि वो पैसा सिर्फ ट्रांसजेंडर का नहीं, अनुदान की राशि है, वो हम सब की राशि है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी किडनी खराब है, लीवर खराब है, उन तक उस ट्रांसजेंडरों की नहीं, ट्रांसजेंडरों की अदर लोगों की भी उन तक पैसे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन उसी पैसे जो ट्रांसजेंडर को दी जा रही है उसका गलत मिसयूज करके उनकी हक का भी हत्या किया जा रहा है। तो आखिर सरकार सिर्फ दोस्ताना सफर को क्यों दे रही है? क्या दूसरे किन्नर जैसे आपने आज अपना बना लिया, सबरंग रिश्ता बनाया है, आप अच्छा काम करेंगी तो सरकार आपको भी प्रोत्साहित करेगी, तो क्या? अच्छा, हमें सुनने में आया कि हर साल लाखों रुपए जो है किन्नरों के लिए जिले वाइज दिए जाते हैं, क्या हो रहा है उन पैसों का? हाँ, समाज कल्याण विभाग अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए देती हैं बिहार में, बट ऐसा कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होता, सिर्फ पटना में एक बैनर कोई टांग दे या कहीं एक दीवार पे पेंट करवा दे, उससे पूरा मतलब कहना आप ये चाहते हैं कि पटना में बैनर टांग के हर जिले की राशि ले ली जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, जो किन्नर कल्याण बोर्ड है उसमें जो मेंबर्स, उसमें से कुछ मेंबर जॉब कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो में, उन लोग को किन्नर, भी किन्नर जॉब कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो में, हाँ, दिल्ली मेट्रो अच्छा। में, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे किन्नर कल्याण बोर्ड का मेंबर बनाया जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो जरा सा आप इस पर प्रकाश डाल दीजिए इनका, कि जो लोग किन्नर कल्याण बोर्ड में, बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के मेंबर हैं, वो दिल्ली में अपनी जॉब भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो क्या उनको, उनका आपके जो किन्नर कल्याण बोर्ड के जो रूल्स हैं उसमें क्या जॉब करना है उनको, या वो एक दिखाने वाले फेस हैं कि बस ये है किन्नर कल्याण बोर्ड में? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, जॉब नहीं करना है। किन्नर कल्याण बोर्ड में वही लोग होंगे जो एक्टिव लोग हैं, जो कहीं कार्यरत हैं, जो सैलरी ले रहे हैं वो थोड़ी होंगे अच्छा। लेकिन वैसे लोग भी हैं तो जो सैलरी ले रहे हैं और किन्नर कल्याण बोर्ड में भी, हाँ बिल्कुल, तो उनमें भी हैं एक दो लोग। कोई मीटिंग वगैरह नहीं होती? कोई बिल्कुल कोई मीटिंग नहीं होती है, और होती होंगी तो चुपचाप तरीके से होती होंगी, जो लोग मिली भगत हैं, जो फंडिंग खाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा महागड़बड़ झाला है, और ऐसे भी समाज कल्याण बोर्ड जो, समाज कल्याण जो मंत्रालय है बिहार सरकार का, जिसके मंत्री मदन सहनी हैं, वो हमेशा से विवादों में रहा है, हमेशा
जो है उस मंत्रालय के पैसे किस तरीके से पानी पर बहा दिए जाते हैं, पानी में बहा दिए जाते हैं, इसकी वानगी जीता जागता हम आपको दिखा रहे हैं और सुनवा रहे हैं कि किन्नर कल्याण बोर्ड जो बिहार सरकार का है उसके जो मेंबर हैं वो दिल्ली मेट्रो में काम करते हैं और वो यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन किन्नर कल्याण बोर्ड के मेंबर वो होने चाहिए जो किन्नरों की सुरक्षा के लिए, किन्नरों के समाज कल्याण के लिए इनके साथ खड़े हों, लेकिन वैसे मेंबर नहीं है। यानी कि बैठक भी यदि होगी तो किसी बंद कमरे में कर ली गई, फंड पास सब बंद कमरे में कर लिया गया और पैसा बैंक से निकाल दिया गया। अब आप ये समझ सकते होंगे कि जिन किन्नरों को दो वक्त की रोटी जुटाने में समय लग जाता है, दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए उनको ट्रेनों में मांगना पड़ता है, भीख दरवाजों पर नाचना पड़ता है, उसी किन्नर समाज की मुखिया रेशमा प्रसाद जो हैं, रमेश जो हैं, वो रेशमा प्रसाद बने हुए पटना में बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, फ्लाइट से सफर करते हैं और किन्नर महोत्सव का आयोजन करते हैं। ये बात मुख्यमंत्री तक पहुँच चुकी है, लेकिन अवंतिका इस लड़ाई को आप लोग मिलके क्यों नहीं लड़ रही हैं, मुख्यमंत्री के पास सीधे जा रही हैं 150 लोग की, ये हो रहा है हमारे साथ और ये कहीं ना कहीं लोगों में डर है, आप लोगों के समाज में, कम्युनिटी में बहुत बड़ा डर है कि मरवा देगी रेशमा प्रसाद, कोई मरवा देगा, जेल डलवा देगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कम्युनिटी खुल के सामने नहीं आना चाहती क्योंकि उनमें काफी लोग पढ़े लिखे नहीं, अगर पढ़े लिखे भी हैं तो डर से सामने नहीं आना चाहते हैं। तो एक ऐसे फेस की आवश्यकता है बिहार में जो इनके हित में काम करे। तो आपको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, कौन क्या करेगा, दो गोली मरवा देगा और सीधा क्या कर सकता है, मैं रेडी हूँ गोली खाने को, एकदम डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है, जो है मैं बिहार की हूँ और मैं यहीं की हूँ, अगर किसी को है कोई मेरी दुश्मनी तो वो भी तो बिहार की है ना, पता वो कहाँ की है, अब मुझे तो इस बारे में नॉलेज नहीं है, मैं तो हूँ बिहार की और मैं कहती हूँ मैं हूँ बिहार की, अगर बहुत कुछ है तो लोग दुश्मनी से क्या करेंगे, गोली मरवा देंगे, मैं गोली खाने को तैयार हूँ और ये भी मैं बता देती हूँ कि मुझे अगर गोली लगी या कुछ हुआ तो उसके जिम्मेवार कौन होगी, मैं उसका नाम भी लिख के रखती हूँ सबके सामने। तो खुल के बताइए ना कैमरा के सामने, रेशमा प्रसाद ही है ना, कौन गोली मरवाएगा? बिल्कुल, जो हमारे किन्नरों का नेता है वही हमारे पीछे लगेंगे, क्योंकि नाम तो बताइए, रेशमा प्रसाद जी हैं वही हैं जो नहीं चाहते कि बिहार में अदर कोई ट्रांसजेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर पे काम करें ताकि उनका जो पोल है वो खुल जाए। बहुत बड़ा घपला है और सबसे बड़ा घपला है जो अभी स्वास्थ्य विभाग के साथ हुआ है, अब इसमें स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत है या क्या है, ये जांच का विषय है और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी जल्दी से जल्दी जांच बैठे ताकि जो सच्चाई है वो सामने आए और जो लोगों की हत्याएं हो रही होना बंद हो। आपने सुना अवंतिका चौधरी को, अभी और भी परते हम खोलेंगे, ये सिर्फ किन्नर के का जो ऑपरेशन का मामला है, एक छोटा ऑपरेशन इनका होता है उसका मामला हमने खोला और उसकी पूरी वानगी हमने आपको दिखा दी। अब जो है अगले सप्ताह जब हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से औरतों के मेंस्ट्रुअल सर्किल को जो पैड बनाया जाता है उसकी जमीन 600 स्क्वायर फुट के जगह 1600 स्क्वायर फुट हड़प लिया रेशमा प्रसाद ने, रेस्टोरेंट बना लिया, दुकानों को उसमें दुकानें भी बनाई गई हैं और तमाम कंप्लेन भी मानवाधिकार आयोग तक ये कंप्लेन गया है और अगल बगल के लोगों ने किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज अवंतिका ने बता दिया कि किस तरीके से थर्ड जेंडर के समाज में जो पटना में और बिहार में है रेशमा प्रसाद से डर है। ये डर जो है वो सिर्फ इसलिए है कि रेशमा प्रसाद जो हैं वो अपने गुंडों का उपयोग करके या तो हत्या करवा देती हैं ट्रांसजेंडरों को या गायब करवा देती हैं। अब समझ लीजिए कि गोरखपुर जनपद का वो रमेश प्रसाद जो है, जो बिहार के माध्यमिक शिक्षा परिषद में कल तक दलाली करता था, वो पटना के ट्रांसजेंडरों का नेता बने हुए अपनी पैठ जो है बिहार के मंत्रियों तक बना चुका है। निश्चित तौर पर जब ये बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्रवाई करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और हमारे सूत्रों ने जो खबर दी कि पिछले दिनों जब ये मिलने गए थे मुख्यमंत्री से जनता दरबार में, तो मुख्यमंत्री ने इन्हें भगा तक दिया था। अब देखना ये है कि अवंतिका चौधरी जो बातें वो कही हैं उसका असर क्या इनके जो समाज के लोग हैं इनके साथ खड़े होकर
उस रेशमा प्रसाद का बहिष्कार करेंगे जो बिहार की किन्नरों का हक मार रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।